कई बार धर्म के ऊपर दो दो विभक्त होते गुट भी देखे हैं, कई बार संत और धर्म के दूसरे जो मौलवी चाहे वो पादरी हो चाहे कोई भी हो, उनके नाम सुर्खियों में कई मरतबा इसलिए भी आए क्योंकि जिस तरीके से वो जिंदगी जीते हैं उसमें उस विवाद का जो जुड़ा होता है वो लोगों को पछता नहीं है। हमारे साथ आज हरियाणा के करनाल से बहु प्रचलित नाम साधु देवा ठाकुर हमारे साथ हैं, जिनको पूरे भारत में उनके उद्बोधन के लिए उनके बयानों के लिए काफ़ी जाना और पहचाना गया है। आज हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका कंसेप्ट क्या है, वो किस तरीके से धर्म की बात करते हैं लोगों में जाके और उनका मकसद क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है साधु जी। धन्यवाद। मैं भी जानना चाहूँगा और दूसरे जो लोग हैं दर्शक वो भी जानना चाहेंगे कि साधु देवा ठाकुर किस तरीके से उनका एम क्या है, विजन क्या है, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपके जो बयान है वो बड़े राजनीतिक मंचों पे भी भूकंप ला देते हैं, टीवी चैनलों पे भूकंप ला देते हैं, अखबारों की सुर्खियां बन जाते हैं। एम क्या है, विजन क्या है? भूकंप लाना या हंगामा खड़ा करना नहीं है मकसद मेरा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ धर्म की और क्रांति की बातें करती हूँ और केवल बातें ही नहीं करती हूँ, मैं चाहती हूँ धरातल पर भी धर्म उसी तरह से सुरक्षित रहे जो हमारी परंपराएं और इतिहास बोल कर गया है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि साध्वी के हाथ में बंदूक देखते हैं लोग ये अतरज करते हैं कि भगवाधारी भगवान का नाम लेने वाला माला लोगों के ज्ञान देने वाला वो बंदूक। अब जब मैं जवाब दूंगी हो सकता है ये भी आपको विवादित लगे और 100 टाइम हो सकता है, हमारे अगर धर्म और शास्त्र को उठा के देखेंगे आप जी के किसी भी जिनकी हम आराधना करते हैं जिनको हम पूजते हैं भगवान श्री कृष्ण माँ दुर्गा माँ काली, क्या एक भी भगवान हमारा कोई है जिनके हाथ में शस्त्र नहीं है? अगर हम उनके उपासक हैं और अपनी सुरक्षा हेतु अगर हम हथियार रखते हैं या आसपास जरूरत है तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन आपके साथ जो विवाह जुड़ा उसमें यह था कि साध्वी जी एक शादी में आमंत्रित थी, वहां गई और वहां बार बार वहां गया नहीं। देखिए अकस्मात वो एक एक्सीडेंट था हुआ, उसका पूर्ण रूप से मुझे भी दुख है कि किसकी गोली से कहां क्या हुआ वो सबके सामने है। उसमें 65 दिनों के समय मैं जेल में खुद गुजार के आई हूँ, मैंने अनुभव किया और जेल से बहुत कुछ सीखा भी। आपका ये भी कई बार रहता है कि अगर हिंदू देवी देवता या हिंदू साधु साध्वी इनका नाम आ जाए तो कानून बहुत ज्यादा जल्दी सक्रिय हो जाता है, आपके आरोप रहते हैं कि दोगली नीतियां हैं कहीं ना कहीं। देखिए भयंकर रूप से षड्यंत्र है, मैं बड़ी बारीकी से और बड़ी नजदीकी से गुजरी हूँ इन सबके बीच में। जहां बात कोर्ट की करते हैं कानून की करते हैं, मेरा केस भी अंडर ट्रायल आज के टाइम में चल रहा है जी। संत आशाराम बापू को लेके, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेके, और भी अगर धर्म की गाय की बात करते हैं, जहां बात की बात आती है जब राम मंदिर की बात आई तो धर्म के नाम पे लोगों ने वोट मांगी और जब कहा कि राम मंदिर बनाओ तो बोला कि कोर्ट के अधीन है मामला, तब कहां चला जाता है समाज। मुझे याद है पिछली बार जब आप बाढ़ में रहे थे मेरे से आपने बात जब की थी तब आपने बताया था कि राम मंदिर भजनों से कीर्तन से नहीं बनना है, तलवार निकालनी पड़ेगी। यूपी चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश जहां पर राम मंदिर बनना है, साधु देवा ठाकुर वहां नहीं है, लोगों को कब बताएगी कि सरकार तो बन जाएगी? बिल्कुल, मेरा प्रयास ये था कि और हम अभी भी आपके माध्यम से भी मैसेज देना चाहते हैं कि जो राम मंदिर के नाम पर वोट मांगकर सरकार बनाने की तैयारी में है, क्या उनसे किसी ने जवाब मांगा कि आप राम मंदिर कब देंगे बनाकर? तो राम मंदिर अब नहीं बन पाया तो मुझे नहीं लगता भविष्य में फिर कभी बन। लेकिन आपने ये कहा था कि मैं आगे वाले चुनाव में कुछ ऐसा करूंगी कि मोदी साहब। बिल्कुल करूंगी, अकस्मात 15 नवंबर को ये हादसा हुआ और 20 जनवरी तक मैं जेल के अंदर थी, तो इस दौरान मैं जेल के अंदर प्रचार प्रसार तो नहीं कर सकती थी आपके सामने। नहीं, चुनाव यूपी के अभी चल रहे हैं, 20 जनवरी उसके बाद आप बाढ़ में। देखिए अभी तो मैं कानूनी प्रक्रिया से गुजर रही थी जी और आपके सामने है, मेरा पहला कार्यक्रम आज बाड़मेर में जी। तो साधु जी कई बार ये होता है कि हॉलीवुड मीडिया इसके ऊपर, न्यायपालिका यहाँ तक कि जो वर्तमान राजनीति इसके ऊपर आक्षेप लगते हैं कि हिंदुओं को बहुत बेवजह छेड़ा जाता है, उनके इतिहास के साथ मखौल उड़ाया जाता है। बिल्कुल, हाल ही में आज पद्मावती को लेके जो पद्मावती मूवी बना रहे हैं
इतिहास के साथ रानी पद्मावती के साथ दीपिका पादुकोण और उसके एक्टर डायरेक्टर जो घिनौनी हरकत और जो इस तरह का सब हो रहा है, क्या ये बर्दाश्त करने योग्य है? घिनौनी हरकत जैसे? जैसे पद्मावती का रोल जिस तरह से दिखाया गया और खिजली को वो दिखाया गया, क्या ये सहन करने योग्य है? मैं चाहती हूँ ऐसे लोगों को देश द्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और देश से बाहर कर देना चाहिए ऐसे एक्टर डायरेक्टर को। और कहाँ एक चरित्रवान रानी पद्मावती का चरित्र, जिन्होंने बात ठाकुर समाज की नहीं आती, उसके साथ जब जौहर हुआ था तो हजारों रानियां वो भी थी कि वो सभी राजपूत नहीं थी, सबने जौहर किया अपने चरित्र को लेके। कहां एक वो दीपिका पादुकोण जिसका कोई चरित्र ही नहीं है, पिछले दिनों आपने देखा होगा उनकी एक फोटो वायरल हुई थी। तो ऐसे लोग रानी पद्मावती की क्या रिस करेंगे, इनको देश से बाहर कर देना चाहिए। तो आपने अपने स्तर पे या संजय लीला भंसाली या उनको कुछ दिखाया कि आप संत समाज जो है वो विरोध करेगा अगर आपने हिंदू इतिहास के अच्छे विचार आपके सामने और आपके माध्यम से? मैं तो मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं पूरे हिंदू समाज को, ना कि एक सिर्फ ठाकुर समाज को, कि जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेगा वाकई उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और देश से तुरंत बाहर करवा देना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि मोदी सरकार जिसको विदेशों की मीडिया से लगा कि विदेशी नेता तक सबकी मानसिकता यही है कि हिंदुओं की एक सरकार बनी है, क्योंकि मोदी को हिंदू समर्थन बहुत जबरदस्त मिला है, मोदी को हिंदू आइकन भी कहा गया है, तो आपको लगता है कि हिंदू आइकन है, हिंदू साधु समाज, क्योंकि प्रज्ञा जी भी बाहर आ गए तो काफी मदद मिल रही है? हाँ, दो तीन कार्य है। पिछले दिनों तो मैं भी निराश थी, हताश थी, मुझे भी लगता था कि कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन कुछ जो कार्य हुए साध्वी प्रज्ञा को लेके, गौ मास को लेके, कुछ कानून जो बने गौ रक्षा को लेके हरियाणा में, उनसे कहीं ना कहीं लगता है कि तस्वीर साफ होगी। कई बार ये देखा गया है कि साधु समाज गो हत्या को लेकर, गौ मास को लेकर बहुत ज्यादा उद्वेलित हो जाता है। गोवा के अंदर सबसे बड़ा 80% 80% जो वहां पे मांस खाने वाले हैं वो गौ मास खाते हैं। तो कभी आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी सरकार या फिर साधु समाज वो गोवा पर क्यों नहीं जाता सत्ता बीजेपी की? आप ही को मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर भी कत्ल खाना है, वहाँ पे भी भाजपा की सरकार है। तो विरोध किया आपने वहाँ पे? और गोवा में भी जो गोमांस शामिल है भोजन में, तो वहाँ बिल्कुल विरोध करना चाहिए, और शब्दों से ही नहीं बल्कि उसका प्रत्यक्ष रूप में विरोध करना चाहिए। आपकी जो ये घटना हुई गोली कांड की, उसके बाद ये कहा गया कई लोगों द्वारा कि जो बार बार आवाज उठ रही है कि हिंदू और भगवा आतंकवाद क्या होता है, सब यही तो है, टीवी भी देख लीजिए यही तो है। भगवा आतंकवाद की मुझे वहां जरूरत महसूस होती है जहां सरहदों पे जब पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी होती है और हिंदुस्तान की ओर से चुपचाप बैठे रहेंगे क्या, तब तलवारों की और बंदूकों की जरूरत नहीं पड़ेगी? मुझे लगता है बिल्कुल क्रांति की जरूरत है, जवाब देना चाहिए उनकी भाषा में। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे एक समय में, क्या लव लेटर लिखना बंद करे, तुम एक सर काटोगे हम 10 काट के देंगे, तो वो समय आ गया, करना चाहिए। आप सरहदी बाड़मेर जिले में हैं जी, यहाँ पर पाकिस्तान ज्यादा दूर नहीं है, बड़ी मुश्किल से हवाई दूरी 60 किलोमीटर। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ के लोगों के लिए कुछ विचार लेके आए, कई जगहों पे आप जाएंगे? मुझे सबसे बड़ा विचार तो यहाँ के लोगों के लिए वो है कि यहाँ जातिवाद, जब तक राजस्थान में जातिवाद खत्म नहीं होगा, अगर यहाँ जातिवाद खत्म नहीं हुआ, नशा खत्म नहीं हुआ, तो जो धारा 370 जम्मू कश्मीर में लगी हुई है, मैं बहुत जल्द दिखा दूंगी कि आपके बाड़मेर और बॉर्डर के इलाकों में कि धारा 370 लागू हो जाएगी एक दिन, मैं दिखाऊंगी आपको। जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा है वो राजस्थान की सरहदी इलाकों में, ये बड़ा अटपटा लगता है, इतने हालात खराब नहीं है? हालात खराब होंगे अगर लोग जातिवाद के नाम पर आपस में लड़ते रहे, तो मुस्लिमकरण होगा और मुस्लिम जनसंख्या बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो सरहद पार से जो जो चीजें आती हैं, और जिस तरह से नशे में लिप्त है युवा और अपनी संस्कृति और जातिवाद के नाम पे आपस में लड़े जा रहे हैं, हम राजपूत हैं, आप जाट हैं, आप ब्राह्मण हैं, तो हिंदू तो खत्म हो गया, लुप्त हो गया। तो आपको लगता है कि इसका फायदा जो है वो मुस्लिम को मिलता है? अच्छा। और सरकारें जिनकी बनेंगी उतना ज्यादा मुस्लिम को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि साधु समाज अगर मुस्लिम का नाम न ले तो उनकी त्रुटियां भी कमी आ जाती है, इसलिए मुस्लिम को तो साथ में जोड़ के रखना जरूरी है।
देखिए इतिहास के पन्ने कुछ उखाड़ोगे और उठाओगे तो पता चलेगा जो जो भी इस तरह के जुर्म होते हैं आखिरकार उसके पीछे मुस्लिम ही पाया जाता है, हिंदू तो नहीं पाया जाता। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले यूपी के अंदर पकड़े गए सारे हिंदू थे, और मजे की बात है भाजपा से राष्ट्रवादी पार्टी जो हिंदुत्व की बातें ज्यादा करती है। देखिए आटे में कहीं ना कहीं नमक और कुछ चीजों को मिक्स कर देते हैं। ये तर्क थोड़ा पछता नहीं कि अगर दूसरा कोई पकड़ा जाए तो पूरी कौम खराब, और हमारे 4 लोग 10 लोग पकड़े जाए तो सिर्फ ये गलती से हो गए बच्चे थे। अगर हिंदुस्तान में रहकर भी क्या आपको लगता है पूर्णतः अधिकार हिंदुओं को मिलते हैं जिनको अलग संख्यक आप बार बार अधिकार क्या अधिकार जैसे कि आप देखिए धारा 370 क्यों नहीं हटी अभी? वो जम्मू कश्मीर पर्टिकुलर तो जम्मू कश्मीर क्या हिंदुस्तान का हिस्सा तो नहीं वो है? विवादित है और बकायदा वहाँ तो पर 70 साल से चल रहा है। आज तो हिंदुवादी सरकार लेकिन उसके बीच में भाजपा की सरकारें आई तो सरकार तो ये सब हो जाना चाहिए था। मोदी जी भी थे तो मोदी जी को भी हम कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं, हम उनके साथ है सरकार बनाने में, हम लोगों ने पूरे प्रयत्न किए कि हाँ हिंदुवादी सरकार बने, पूर्णतः हिंदुओं का हक हो ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन 370 को खत्म करने के लिए तो कोर्ट के थ्रू आपको कुछ करना पड़ेगा या सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा। सरकार पे दबाव है नहीं और कोर्ट में कोई मामला चल नहीं रहा। देखिए जब तक हिंदू एक नहीं होगा हिंदू बढ़ेगा नहीं, और पूरी तरह से हिंदुओं के अधिकार उसी तरह से, बल्कि मुझे लगता है कि हिंदुओं के अधिकार ज्यादा मुसलमानों के कम कर देने चाहिए हमारे देश में। मुसलमान अल्पसंख्यक है ये कहा जाता है सरकारी भाषा में, अल्पसंख्यक है नहीं 25 करोड़ से ज्यादा है, ज्यादा है। लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकार में कटौती करने से बेहतर है कि आप आरक्षण के मुद्दे भी कुछ बात कर लेते, इसमें भी काफी दिक्कतें हैं आरएसएस और आरक्षण ने मुझे लगता है हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर दिया है। आरक्षण जाति के आधार पे बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, आर्थिक स्थिति के आधार पे आरक्षण होना चाहिए। गरीब कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति में हो सकता है, कोई पर्टिकुलर गरीबी की कोई जाति नहीं होती। साधु जी आप बाड़मेर या जैसलमेर या पोखरण या आना जाना आपका काफी लगा रहा है पिछले साल से पहले जी बिल्कुल, तो बाड़मेर या पश्चिमी राजस्थान के सरहदी इलाकों को लेकर कोई खास विजन है क्या आपका कि यहाँ पर इस तरीके, जैसे आप क्रांति की बात करते रहते कि क्रांति हरियाणा के करनाल के बाद अब बाड़मेर जैसलमेर इन सरहदी इलाकों शुरू कर दीजिए। अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो अपनी बाड़ की सुरक्षा करना तो हर आदमी का काम है। राजस्थान मेरे से भिन्न नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ये भी लगता है कि राजस्थान से मेरा कोई पूर्व जन्म का रिश्ता भी। उधर पठानकोट वगैरह वो भी नदी पड़ते हैं आपके करनाल? नहीं इतना नहीं पड़ता, और राजस्थान वीरों की भूमि रही है, योद्धाओं की भूमि रही है। अगर कोई इतिहास लिखा गया है तो राजस्थान ने लिखा है, और राजस्थान के लोग, राजस्थान का खून पता नहीं क्यों बार बार मुझे खींचता है, और इस खून से मिलकर मुझे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, और मुझे लगता है कि इन सरहदों पे ज्यादा जरूरत है हिंदू तक। मैं मेरा एक अंतिम सवाल ये है कि अब आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि साधु देवा ठाकुर किस क्रांति की बात कर रहे हैं, उस क्रांति में होना क्या चाहिए, और हिंदू युवा आपसे उस क्रांति की मशाल को पकड़ने के लिए किस तरीके से आगे बढ़े। मेरा मेन सबसे पहला मकसद ये है कि आज जिन मजारों पे, जिन किलों पे मजारे बनी हुई है उन पे मैं चाहती हूँ कि भगवा लहराया जाए। लेकिन आप देख लीजिए जितनी भी इमारतें, लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल सब मुसलमानों ने बना रखी, तभी मैं चाहती हूँ कि उन मजारों के ऊपर भगवा झंडा लहराया जाए। उसके लिए क्रांति की आवश्यकता है, संगठित होने की आवश्यकता है, हिंदुओं को एक माला में मोतियों की तरफ पिरोने की आवश्यकता है। वो शुरुआत चाहे राम मंदिर की हो, चाहे देश में कत्लखाने बंद करने की बात हो, चाहे हिंदू मंदिर बनाने की बात हो, केवल और केवल इस क्रांति की शुरुआत राजस्थान से हो सकती है। मेरे सवाल बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके जवाब में मुझे सवाल मिलते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जितने भी इस तरह की इमारतें हैं उनके ऊपर आप हिंदुत्व का झंडा लगा दें, तो तब तो जहाँ पे राम मंदिर विवाद चल रहा है वहां पर मुसलमानों ने ये प्रयास किए थे, तो आज कारण क्या है? तो विवाद वो मामला अगर कोर्ट के अधीन है और हिंदू संगठित नहीं होगा, पूरा देश हिंदुओं का मिलकर, मुझे तो लगता है कि मुसलमानों को भी हिंदू मंदिर बनाने में सहयोग करना चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि प्रोटोकॉल के अनुसार राम हमारे देश के राजा थे और ये देश राम का है। लोकतंत्र है साधु जी, अब चुनी हुई सरकारें जो करती है वो इस लोकतंत्र की वजह से ही हिंदुओं का पेशेंस, धैर्य, उस सब की परीक्षा ली जाए। तो क्या करें, लोकतंत्र खत्म हो वापिस राष्ट्र? मुझे लगता है कि हिंदुओं का पेशेंस
अब थोड़ा सा उबाल खाना चाहिए और हिंदुओं को संगठित होकर राम मंदिर की शुरुआत करनी चाहिए। मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूँ कि अगर संगठित हो जाए तो दबाव कैसे बनाए, रूपरेखा क्या है उसकी, किस तरीके से सरकार आपकी, जिस तरह से हमारी सरकारें कहती थी कि हमें और सीटें चाहिए और सीटें चाहिए, तो मैं कहती हूँ उनको और सीटें दे दो लेकिन राम मंदिर तो बने कम से कम। तो आपकी कभी मोदी सरकार से, बीच में मैंने एक आपका फोटो देखा था जिसमें आप राजनाथ सिंह जी के साथ थे, तो क्या राजनाथ सिंह जी से भी इस तरह की चर्चा हुई आपकी? बिल्कुल, हमारी राजनाथ जी से जब चर्चा हुई थी इसी विषय पे हुई थी, जब सरहदों पे जवान रोज रोज शहीद होते थे तो हम विशेष रूप से चर्चा करने गए थे कि हुकम आप गृह मंत्री हैं तो किस तरह का पेशेंस रखे बैठे हैं, जवाब दीजिए ना। जवाब मिला कुछ? हाँ जवाब मिला, और उसके बाद आपने देखा होगा जो ऑपरेशन हुआ था लास्ट टाइम यूपी में। आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार किसकी आ रही? गर्म में है भविष्य, फिर भी आपकी आकलन, क्योंकि दो एक दो चरण के मतदान तो मेरे हिसाब से होंगे। देखिए मैं भविष्यवाणी तो आप वहाँ चूंकि राम मंदिर का जमीन भी है तो वहाँ के साधु संतों से, वहाँ के लोगों से आपकी वार्तालाप तो होती होगी। आप क्या मानते हैं कि मोदी के जिस तरह से हिंदू मायूस है तो गुमनाम है सवाल और सवाल के जवाब भी, मतलब मोदी साहब शायद मुझे पूरी तरह से कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती, मोदी साहब नहीं आ पाएंगे समा चाहती हूँ। तो अभी आपने देखा कि साधु देवा ठाकुर जो बेबाक अपनी बात रखने के लिए काफी प्रसिद्ध भी है और प्रचलित भी है, टीवी चैनल्स TRP इनके नाम से काफी लेते रहे हैं, आज उन्होंने हमसे बात की और ये बताया कि राजनाथ सिंह से मुलाकात में उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि सरहद पर जिस तरीके से जवान मर रहे हैं ये ठीक नहीं है, और उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ जिसको सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया जाता है वो भी उस मुलाकात के बाद ही हुआ था। लेकिन जो क्रांति की बात चल रही है कि एक क्रांति होगी करनाल से पश्चिमी राजस्थान के सरहदी इलाके में, इनके जिस तरीके से आए दिन टूर होते रहे हैं इससे ये बात स्पष्ट है कि कोई ना कोई रीजन उनका इस इलाके को लेकर भी होगा, जो अभी इनके छुपे शब्दों में समझ नहीं पाए लेकिन धीरे धीरे इसका खुलासा होगा कि आखिर बाड़मेर को लेकर, जैसलमेर को लेकर, पाकिस्तान से सटे हुए इस इलाके को लेकर उनका विजन क्या है। कैमरा पर्सन प्रकाश खत्री के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, बाड़मेर, राजस्थान।